combat, compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, एक बार सर लोग जरा देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। यस, एक बार सर लोग जरा बता देंगे। यस, गुड इवनिंग, ऑडियो एंड वीडियो आर परफेक्ट। हम लोग बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे HT20 कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द कॉलम, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, स्टिपिंग फैक्टर, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ द एब्जॉर्प्शन कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर वन हो जाता है तो हम लोग कैसे बात करते हैं, कि नंबर ऑफ ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनटीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एचटीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारा आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज लास्ट पार्ट होगा आपका एब्जॉर्प्शन का, ट्राई करेंगे पूरा आपका मैक्सिमम कवर करने का, ठीक है। लंबा क्लास चल सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट करके ये हम लोग छोड़ेंगे, राइट। चलो, इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूँ अबाउट माई सेल्फ, जो पहली बार अपने प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं तो उनको जस्ट मैं बता देता हूँ। माई नेम इज मनीष, आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, फाइव प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड फाइव टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर इन 2019, सिलेक्टेड इन द एचयूआरएल इन 2021, एंड दिस इज द माई सब्जेक्ट यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द माई कोड। ड्यूरेशन ऑफ द ज्वाइनिंग द प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स, कभी भी आप लोग प्लस ज्वाइन करते हैं, आइकोनिक ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कोड की नीड पड़ेगी, यहाँ से आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वो रेफरल कोड आप इनकेस आप मेरा यूज करते हैं तो आपको हमारा गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको 10% का छूट मिलेगा। ये आपका कोड एक लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, जो कि आपकी थ्रू आउट द जर्नी काम करता है, राइट। यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा प्लस और आइकोनिक की, इनकेस आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्लस में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग। यस, ऑब्वियसली आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अभी जस्ट मैं मास ट्रांसफर की क्लास लेकर आया हूँ, 2 घंटे की आपकी चली थी, जिसमें मैं एक्सट्रैक्शन पढ़ा रहा था। यहाँ पे जस्ट मैं बात करूँगा क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन इंग्लिश, दोनों मीडियम में मिलेंगे, ठीक है। आइकोनिक की भी जस्ट मैं बात करूँगा तो आइकोनिक के लिए आप आइकोनिक चूज करते हैं तो प्लस का तो पूरा पार्ट मिलेगा, इसके साथ साथ पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस करने के लिए, और आपको यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ लेने के लिए आपको कोड की नीड पड़ेगी, तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं MR100, यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप लोग मूव कर सकते हैं, राइट। चलो,
इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा अभी करंट में आपका ऑफर चल रहा है, जो लोग 3 मंथ्स के साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग 3 महीने का ले लेते हैं, 1 महीने का एक्स्ट्रा उनको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। तो आपको जो फीस लगेगी वो मैं जस्ट बता देता हूँ, आपको जो फीस लगेगी आपको यहाँ पे आफ्टर द रेफरल कोड डिस्काउंट होने के बाद आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 13,275 रुपये, ठीक है, 13,000 के आसपास आपको यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 4 महीने का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ से जस्ट हम लोग बात कर रहे थे मास ट्रांसफर क्रैश कोर्स की। मास ट्रांसफर क्रैश कोर्स में आपका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, नहीं एब्जॉर्प्शन चल रहा है, आपका डिफ्यूजन कंप्लीट हो गया, आपका मास ट्रांसफर कॉम्पिशेंट कंप्लीट हो गया, आपका डिस्टिलेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आज आपका कंप्लीट हो चुकेगा। तो ये 4 जो बड़ी यूनिट थी वो आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक बार पढ़ के कितना आप सस्टेन कर पा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, जो लोग पहली बार पढ़ रखे वो थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डाल दें और यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, मैक्सिमम चीज़ें बता देता हूँ, हो सकता है थोड़ा स्पीड रहे, ओके। चल यहाँ से जस्ट मैं बात करूँगा एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन में आप लोग अभी तक बात कर चुके थे को करंट काउंटर करंट, उसकी आप ऑपरेटिंग लाइन की बात कर चुके हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन से कैसे आप लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट करते थे उसकी आप लोग बात कर चुके थे, ठीक है, आप लोगों ने कल क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। आज मैं थोड़ा आगे बढ़ के सर लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द पैक्ड बेड, ठीक है, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पैक्ड बेड की, तो इसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द पैक्ड बेड। तो सर लोग हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ द हाइट ऑफ द पैक्ड बेड, हाइट की हम लोग कैसे बात करेंगे, ठीक है, चलो, ठीक है, कोई पैक्ड बेड है उसकी हाइट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि बड़े बड़े डेरिवेशन क्रैश कोर्स में आप लोग अवॉइड करेंगे, जिन लोगों को डेरिवेशन देखने हैं वो लोग कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जस्ट बात करूँगा कि आपके कॉलम की हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाइट जो कैलकुलेट करते हैं, सपोज कर लो दिस द योर कॉलम, तो जब भी आप हाइट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 तरीके से आप हाइट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आप इसमें कितनी यूनिट काउंट कर लेंगे कि कितनी यूनिट लग रही हैं, ठीक है, कितनी यूनिट इसमें लगी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट एंड हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट, ठीक है, जितनी यूनिट होगी और 1 यूनिट की हाइट कितनी होगी, ठीक है, जे आप सपोज कर लो 3 यूनिट लगी है, 1 यूनिट की हाइट कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, इनके 5 यूनिट लगी है, इसको भी एज आ 1 यूनिट इनके आप काउंट कर रहे हो, ठीक है, इसको 1 यूनिट काउंट कर रहे हो, तो दिस द यूनिट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट और हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट, तो कितनी होगी, तो हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का मल्टीप्लीकेशन आपको टोटल पैक्ड बेड की हाइट दे देगा, ठीक है। तो हाइट जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग हाइट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, HTUOG ओवरऑल बेसिस पे भी लिखते हैं इनटू NTUOG, ठीक है, ये गैसेस के बेसिस पे मैं लिख रहा हूं, तो जेट और कैसे लिखते हैं, HTG इनटू HTUG, भी कहीं कहीं पे लिखा होगा, कहीं कहीं पे HTG लिखा होगा, तो मैं चलो HTUG लिख देता हूं, HTUG भी लिखा होगा इनटू NTUG भी लिखा होगा, ठीक है, दोनों आपको हाइट ही देंगी, लेकिन ये कैलकुलेट करना आसान होता है, ये इंडिविजुअल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट एंड इंडिविजुअल नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट थोड़ा कैलकुलेशन करना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी जब मैं इसके डेरिवेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसके फार्मूले वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे आपकी इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशन आती है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन आती है, तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेंट्रेशन पता करना इजी होता है इन कंपेयर टू इंटरफेसियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो जहाँ पे भी इंटरफेस बन रहा होगा उसकी कंपोजिशन पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ से हम लोग ना जाके कहाँ से जाते हैं, HTUOG और NTUOG, ठीक है, तो यहाँ से अपना हाइट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। ये गैस बेसिस पे है, ये अपनी जो हाइट है वो गैस बेसिस पे, इनकेस आप लिक्विड बेसिस पे लिखना चाहें तो सिमिलरली आप लोग लिक्विड बेसिस पे भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू NTHTHTUOL इनटू NTUOL, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे लिखेंगे तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी लिख सकते हैं HTUL इनटू NTUL, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4 तरीके हैं हाइट कैलकुलेट करने का, जो यूज होगा, जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा, एक तो ये यूज होगा और एक ये यूज होगा, ठीक है, ये 2 ज़्यादा यूज होते हैं, अदरवाइज ये 2 भी हैं, बट दिस इज नॉट इजी फॉर कैलकुलेशन, ये इजी होते हैं कैलकुलेशन के लिए, राइट, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्यों, इनकेस क्योंकि यहाँ पे जब भी आप मैं लिखवाऊंगा इसकी जब डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशिएंट या ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स हाइपोथेटिकल की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल को कैलकुलेट करना या इंडिविजुअल को
प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इस वजह से ये इतना प्रेफरेबल नहीं होता है। तो प्रेफरेबल कौन सा होता है? ओवरऑल होता है। तो हाइट सारे लोग लिख लेंगे, हाइट हम लोग चार तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे एच टी यू ओ जी क्या है, एन टी यू ओ जी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले इतना सारे लोग मेंशन कर लो अपनी कॉपी में। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। इतना सारे लोग मेंशन कर लेंगे, फिर मैं अलग इंडिविजुअली बात कर लेता हूं कि एच टी यू ओ जी की क्या स्टोरी है, एन टी यू ओ जी की क्या स्टोरी है। ओके, चल इतना सारे लोग पहले कॉपी में मेंशन कर लेंगे और बोल देंगे डन, राइट, लिख लिया। अब देखो, अब अपन लोग अलग अलग बात करेंगे। गैसेस के लिए मैं पहले बात करूंगा, फिर मैं लिक्विड के लिए बात करूंगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखना। डन डन, लिखते चले जाएंगे सारे लोग, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चले जाएंगे। उसमें शशांक, जो 2023 का न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें अभी आप तीन सब्जेक्ट तो फिक्स समझो, और भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा। जैसे ही फिक्स होगा तभी मैं उसको अनाउंस करूंगा ऑफिशियली, ठीक है। अभी तीन कंफर्म मानो, और भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 2023 में। अभी तो मैंने इस सेशन में प्लस के स्टूडेंटों को तीन सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जो कि आपका तीसरा सब्जेक्ट अभी मास ट्रांसफर खत्म होने जा रहा है। यस, आपको सितंबर में, सॉरी नवंबर दिसंबर, दिसंबर में आपका एक आरबीआई बैच, रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट, आरआईबी बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेरा आईपीसी लगने वाला है, तो उसके साथ आप लोग मूव कर सकते हैं प्लस में, ठीक है। जो लोग भी प्लस के साथ इंटरेस्टेड है, ठीक है, एक अभी नया बैच स्टार्ट होगा उसमें आईपीसी स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप लोग मूव कर सकते हैं। अभी ऑफिशियली मैं अनाउंस कर दूंगा, ओके शशांक। अदरवाइज आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डाउट तो किसी भी सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डाउट पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर उसी का डाउट पूछो, आप डाउट किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं। इनकेस मैं सॉल्व करने कर सकता हूं डाउट, तो फिर मैं आपका कर दूंगा। चलो, ये बात हम लोगों की इतनी हो गई ना। अब मैं बात करूंगा हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं बिल्कुल इस तरीके से बैठे हैं कि आपके पास पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, बिल्कुल रफ कॉपी। रफ का मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास पहले से ही आपने नोट्स बना रखा है उसी में थोड़ा थोड़ा मेंशन कर रहे हैं, नहीं। आपके पास एक न्यू कॉपी होनी चाहिए, क्रैश कोर्स की न्यू कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास सब कुछ होना चाहिए, कैलकुलेटर वगैरह। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको तुरंत क्वेश्चन करना होगा, कैलकुलेटर से आप कुछ चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप कैल्सी, फोन में आपकी कैल्सी होनी चाहिए, ठीक है। इतना काम आपको करें, इनकेस आप फोन में देख रहे हैं तो आप फिजिकल कैल्सी जो आप लोग मैनुअल वाली यूज करते हैं, ठीक है ना, कॉलेज वगैरह में वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और क्वेश्चन भी करने हैं आपको, थ्योरी भी लिखनी है, ए टू जेड सारे पॉइंट नोट करोगे। जितनी बार आप न्यू तरीके से लिखोगे ना, एक देखो ये तरीका है, सपोज कर लो आपका फार्मूला लिखा है जेड इज इक्वल टू, ठीक है, एच टी यू इंटू एन टी यू, ठीक है, ई एन टी यू, राइट। अभी ये जेड इज इक्वल टू लिखा है, इनकेस आप इसको दोबारा लिखेंगे ना तो इसमें परफेक्शन आएगा, इसमें परफेक्शन आएगा, चीज़ें याद होंगी। ये तो चलो ठीक है, सरल सा लिखा हुआ है, अभी मैं कठिन सा कोई लिखूंगा तो उसको जब दोबारा लिखेंगे तो वो हैबिट में आता चला जाएगा। तो इस वजह से आपको फार्मूले वगैरह बार बार लिखने हैं याद करने के लिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ से जस्ट मैं बात करूंगा, अभी तक आपने बात कर ली थी एच टी इंटू करके सर हम लोग हाइट कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल बात हमको समझ में आ गई। अब देखो, अब जो जेड आप लोग वाई डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन से जो कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, जी एस अपॉन ए सी एस डिवाइडेड बाई के वाई इंटू इंटू ए स्मॉल ए, स्मॉल ए इज द इंटरफेसियल एरिया, ठीक है, स्मॉल ए इज द इंटरफेसियल एरिया, के वाई इज द मास ट्रांसफर, इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दिस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम, दिस द गैस फ्लो रेट ऑन सॉलिड फ्री बेसिस, ठीक है, इनटू इनटू आप लोग कहां से जाएंगे, सपोज कर लो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन में y1 से y2 जा सकते हैं, सॉरी मतलब लोअर टू हायर लिमिट हमेशा जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लोअर का मतलब y2, ये कैपिटल y1 dy अपॉन y माइनस का y इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या मैंने इंडिविजुअल लिखा है तो इक्विलिब्रियम ना लिख के आप इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, y माइनस का yi, ठीक है। ये आपको रिलेशन कहां से गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा yi इक्वल टू mxi, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, यहां से आपका गिवन होगा, यहां पे पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको समझने का देखो तरीका, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, ये तो चलो ठीक है सर हमको फार्मूला वगैरह तो आ गया समझ में, लेकिन ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये हमको जो हाइट बता रहा है, ये जो हमको हाइट बता रहा है, हाइट किसकी बता रहा है, हाइट सबसे पहले कॉलम की बता रहा है, हाइट ऑफ द
ऑफ द कॉलम बता रहा है, ठीक है, ऑफ द कॉलम बता रहा है। तो हाइट कितनी बता रहा है, किसके बराबर, ये जो बात है वो लिखा है HTUG, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो इंडिविजुअल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस फेज। HTU क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट, जिन लोगों को मीनिंग नहीं पता है वो लोग मीनिंग लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, NTUG, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, राइट, सारे लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड। तो ये हाइट किसकी दे रहा है, ये कॉलम की हाइट दे रहा है, ठीक है, हाइट किसकी दे रहा है, हाइट ऑफ द कॉलम, ठीक है, आप गिवन सेपरेशन के लिए जो हाइट दे रहा है वो कॉलम दे रहा है। NTU कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम दिस फार्मूला। HTU कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम दिस फार्मूला, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, अभी सर आपने NTU ये बहुत ही रेयरली यूज करेंगे, बहुत रेयरली यूज करेंगे, राइट, क्योंकि YI का रिलेशन प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब देखो अगेन, अब आप लोग बात करेंगे किसकी, ओवरऑल की, HTUOG NTUOG, उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, यही वाली जेड, ये वाला जो जेड है उसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहले इतना सारे लोगों ने लिख लिया होगा ऑप्शो, ठीक है, सारे लोगों ने लिख लिया, डन है सर। रैंक इंप्रूवमेंट वैच शॉर्ट होगा या कंप्रेहेंसिव, ऑब्वियसली शॉर्ट होगा, ठीक है ना, ये 22 वाले बच्चों के लिए है, शॉर्ट होगा, लेकिन आपको मेरा तो शॉर्ट पता ही है, मेरा शॉर्ट कॉम्प्रेहेंसिव ही टाइप का रहता है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा शॉर्ट में होती नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा तो फिर डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मैं पढ़ाता हूँ तो फिर डिटेल में, आप देख रहे होंगे क्रैश कोर्स को भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं चीज़ें डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो चाहे कॉम्प्रेहेंसिव हो, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं रहती है, चीज़ें खत्म होंगी आराम से, लेकिन जब खत्म होंगी तो अच्छा फील करोगे। नाउ यहाँ से जस्ट मैं बात करूंगा, जेड इज इक्वल टू, जब भी हाइट कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन ओवरऑल, तो ओवरऑल कैसे कैलकुलेट करेंगे, GS अपॉन ACS डिवाइडेड बाई KOY इनटू इंटरफेसियल एरिया, स्मॉल ए इज द इंटरफेसियल एरिया, KOY इज द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन गैस साइड, GS इज द सॉलिड फ्री गैस फ्लो रेट, ACS क्या है, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, Y2 से Y1 dy, अब क्या आ जाएगा सारे लोग बताओ, अब यहां पे क्या आ जाएगा, y माइनस का y इक्विलिब्रियम आ जाएगा, y माइनस का y इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट, y माइनस का y इक्विलिब्रियम आपको यहां पे देखेगा। यस सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आई हैव डन एवरी क्लास इन ट्यूर, थैंक यू सो मच, चलो यस, अच्छे से मेहनत करते चले जाओ, ठीक है, अभी अच्छे से मेहनत करते चले जाओ, इनकेस आपको चीज़ें करनी है तो अच्छे से कहीं से भी कर सकते हो, अदरवाइज पॉइंट यही है कि आपको रेगुलर रहना है, चाहे यहाँ पे रहो चाहे प्लस पे रहो, ठीक है, फाइन। अब देख लो, सारे लोगों को टर्म एंड कंडीशंस पता है ना, लिखाने की तो नीड नहीं है, KOY इट द ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, स्मॉल ए इट द इंटरफेसियल एरिया, जिनको नहीं पता है वो लोग लिख लेंगे, ACS क्या है, इट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, GS क्या है, इट द गैस फ्लो रेट ऑन सॉलिड फ्री बेसिस, वाई कहाँ से आएगा, ऑपरेटिंग लाइन से, एक बात ध्यान रखना सर लोग, देखो अब यहाँ पे आपका ये क्या है, यहाँ पे देखो एक चीज मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ, जेड इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है आपका, HTUOG, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन, देखो ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, दिस द ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड इनटू NTUOG, नंबर ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, ये इजी है सारे लोग ये लिख लेंगे, ये क्या है, ओवरऑल हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट वेस्ड ऑन गैस साइड, ठीक है, दिस द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट वेस्ड ऑन गैस साइड, ठीक है,
बिल्कुल टर्म क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, ओवरऑल हाइट ऑफ द ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, इसमें भी लिखेंगे ओवरऑल, ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट बेस्ड ऑन गैस साइड, ये ओवरऑल है, दिस द हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट। तो एनटीयूजी कभी भी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात फॉर, पहले इतना लिख लो, लिमिट लगा दो, देखो क्या लोअर से हायर लगाना है सो दैट इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डटे रहे 100%, वेरी गुड, ठीक है ना। आपका ये क्या होता है हमेशा, ये आप Y1 से Y2 भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव निकल के आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू जस्ट निगेटिव निकल के आएगी, हाइट कभी निगेटिव होती नहीं है, तो उसको पॉजिटिव कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आप चाहते हैं शुरुआत में ही सर इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आए तो लोअर से हायर जाएंगे, क्योंकि Y2 टॉप में मिल रहा होगा वो आपका लोअर होगा, Y1 फीड में होगा जो कि आपका हायर होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आप Y1 से Y2 भी जा सकते हैं, बट आपका आंसर निगेटिव में आएगा तब, डटे हैं 100%, क्लियर हुआ। चलो अब देखो, एक बार सारे लोग बोलते चले जाएंगे डन, जैसे डन होता है आप लोग डन बोलेंगे नाउ। अब देखो यहां पे थोड़ा मैं एनालिसिस कर देता हूं, एनालिसिस अबाउट द एनटीओजी, हेडिंग डाल देंगे एनालिसिस अबाउट एनटीओजी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एनटीओजी कैलकुलेट बहुत क्वेश्चन में पूछते हैं, एनटीओजी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, एनटीओजी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, Y2 से Y1 dy अपॉन y माइनस का y इक्विलिब्रियम, ऐसे तो कैलकुलेट करें। अच्छा अब जरा मुझे ये बता दो, इनकेस कभी आपको इंडिविजुअली हाइट नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बात मेरे को बता दो, ये जो हम लोग लाएंगे y कहां से लेकर आएंगे और y स्टार कहां से लेकर आएंगे, जरा इतना बता दो, हम लोग y कहां से लेकर आएंगे, y स्टार कहां से लेकर आएंगे, बोलिए सर लोग, सर लोग जरा बता दो, y कहां से लेकर आएंगे और y स्टार कहां से लेकर आएंगे, सारे लोग बताएं यहां पे, ठीक है ना। y कहां से लेकर आएंगे, ध्यान रखना y आप ऑपरेटिंग लाइन से लेकर आएंगे, फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन गिवन होगी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, y इक्वल टू ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन गिवन होगी कहां से, ये वाले फॉर्म में, ठीक है। ये कहां से लाएंगे, फ्रॉम इक्विलिब्रियम रिलेशन, ये आपको गिवन होगा y स्टार इक्वल टू mx, ये आपको गिवन होगा y फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन, ये ऑपरेटिंग लाइन से एक्सट्रैक्ट करोगे, ये कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे, इक्विलिब्रियम लाइन से, ठीक है, इतना आपको पता है। अच्छा ये आपको पता है, बहुत गजब की बात पता है आपको। अब सारे लोग ये बता दो, dy कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से या यहां से, y फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन, वेरी गुड, y स्टार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम रिलेशन, वेरी गुड। अच्छा अब एक चीज और, ये तो फॉर्म किसमें हो गई, x के फॉर्म में हो गई ना, लिसन केयरफुली, क्वेश्चन कैसे टैकल करोगे उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इट द फंक्शन ऑफ x आ गया, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, आपने जैसे इसमें उठा के डाला तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो ये x का फंक्शन हो गया, तो भैया y के साथ तो काम नहीं कर पाओगे ना, y के साथ तो काम नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब अब ध्यान रखना, इनकेस क्वेश्चन में आ जाए तो dy को भी चेंज करना पड़ता है, तो dy को कहां से चेंज करेंगे, फ्रॉम ऑपरेटिंग लाइन, तो dy कहां से निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c गिवन होगा, तो यहां से आप लोग निकालोगे dy इक्वल टू हो जाएगा mdx, अब इसको उठा के यहां पे डाल दोगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं करवाऊंगा, राइट ओके। अब आ जाती है बात, आपने ये सर पूरा मुझे x के फॉर्म में चेंज हो गया, आपका पूरा x के फॉर्म में चेंज हो गया, अब भैया लिमिट भी तो x के फॉर्म में चेंज करोगे कि नहीं, लिमिट कहां से चेंज करोगे, अगेन ऑपरेटिंग लाइन से, कहां से, ऑपरेटिंग लाइन से, सारे लोग लिख लेना y इक्वल टू mx प्लस c, यहां से ही चेंज करेंगे, वेरी गुड हर्ष, लिमिट भी कहां से चेंज करोगे, ऑपरेटिंग लाइन से, तो मैं पूरा आपको क्वेश्चन का डिजाइन करके दिखा दिया, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है, क्वेश्चन यही फंस जाता है।
ठीक है, वाई कहां से लेकर आएंगे, वाई स्टार कहां से लेकर आएंगे, डी वाई कहां से लेकर आएंगे, लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये सब चीज आपको पता है तो मस्त तरीके से आप लोग एनटीओजी के साथ खेल सकते हो सुपर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाए, सारे लोग रेडी हैं क्या, क्वेश्चन दिया जाए इसी बात पर, इसका क्वेश्चन हो जाए क्या एक बार, सारे लोग जरा बताएंगे इसका क्वेश्चन हो जाए क्या। एवरीवन, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, रेडी हैं सारे लोग, वेरी गुड। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, गेट का आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ये सब कुछ आज करना है आपको। चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, जरा इसको ट्राई करेंगे सारे लोग, 2003 में पूछा गया है ये, 2003 में पूछा गया है, जरा इसको सारे लोग ट्राई करेंगे। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2003 फ्रॉम बाय द आईआईटी मद्रास, जरा इसको सारे लोग ट्राई करेंगे, मस्त तरीके से बनाने की कोशिश करो। मैं आपको टाइम दे देता हूं और आंसर कैलकुलेट करके निकालेंगे, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है सारे लोग कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, तभी आपको मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, जब तक कैलकुलेट करके आपका आंसर ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है, क्यों ना क्वेश्चन आपने ये 10 बार लगाया हो, ठीक है ना, फिर भी आपको कैलकुलेट करके ही आंसर निकालना है। ओके, कैलकुलेट करके ही आंसर निकालना है हर हाल में। चलो मैं आपको टाइम दिए दे रहा हूं, टाइमर में स्टार्ट करने दे रहा हूं यहां पे। आप करते रहो, आप करते रहो, मैं यहां पे टाइमर लगा देता हूं। चलो 2 मिनट का आपके पास टाइम है, ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में ये चीज बना के मेरे को दिखाओ सारे के सारे लोग, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए यहां पे। दिख रहा होगा सारे लोगों को, दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं बड़ा क्वी कर दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिखना चाहिए, 2 मिनट का टाइम लो और मुस्कुरा के जरा आंसर बनाने की कोशिश करो। 2 नंबर का पूछा गया है 2003 में, आईटी मद्रास ने पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जब भी आप एनटीयू की प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। 40 सेकंड हो गए हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम और है, आपके पास 1 मिनट का टाइम और है, अपने साइड से मैक्सिमम ट्राई कर लो, अपने साइड से मैक्सिमम ट्राई कर लो सारे लोग। कल मॉर्निंग में 10 बजे आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट होगा, सारे लोग रेडी रहना अनअकैडमी ऐप पर, कल मॉर्निंग में 10 बजे आपका टेस्ट होगा, सारे लोग रेडी रहना अनअकैडमी ऐप पर। डन, वेरी गुड। टाइम अपनाओ, 2 मिनट का ही टाइम आपको मुझे देना था, 2 मिनट का टाइम दे दिया। चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनका बन गया हो अच्छी बात है, जो लोग रास्ते में हो अब देख लें यहां से, बिल्कुल शुरुआत से देख लेंगे। अपन को निकालना क्या है, सबसे पहले ये बताओ, हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना, हाइट निकालना है ना, यही तो अपन को करना है। ओके, तो हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या होता है आपका, एच टी यू ओ जी इंटू एन टी यू ओ जी, यही तो होता है हाइट। ठीक है, एच टी यू ओ जी देखो गिवन है क्या, यस, ओवरऑल ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशियंट बेस्ड ऑन, यस, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट ऑफ, हाइट गिवन है बेस्ड ऑन ओवरऑल, इसका मतलब एच टी यू ओ जी गिवन है, कितनी है 0.4, जेड इक्वल टू 0.4 इंटू एन टी यू ओ जी, किसी तरीके से हमको एन टी यू ओ जी मिल जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके से हमको एन टी यू ओ जी मिल जाए। ठीक है, तो एन टी यू ओ जी के लिए मैंने बताया था, एन टी यू ओ जी जब भी कैलकुलेट करते थे तो कैसे कैलकुलेट करते थे, देखो कैसे कैलकुलेट करते थे,
आप लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब y2 से y1, ठीक है, कैसे लिखते थे, dy अपॉन y माइनस का y इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था y कहां से आएगा, ठीक है, dy कहां से आएगा, ऑपरेटिंग लाइन से, ऑपरेटिंग लाइन इज गिवन दिस वन, ऑपरेटिंग लाइन ये गिवन है, तो dy कैसे निकालेंगे, 5dx हो जाएगा, 5dx हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। y कहां से आ जाएगा, ई वाई आ जाएगा, और इसमें y स्टार माइनस कर देंगे 1.5x, तो इसमें 1.5x जब माइनस करेंगे तो लिखे लिखा जाएगा 3.5x प्लस का 0.001, इतना आ जाएगा, ठीक है, आप लोग जस्ट मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये स्टेप आ जाएगी। अब यहां लिखा है y2, यहां लिखा है y1, तो देखो यहां पे देखो, ये लिखा है y इक्वल टू 5x प्लस का 0.001, आपको क्या निकालना है, y2 की वैल्यू यहां रख दो तो आपका आ जाएगा x2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहां से कहां तक रिमूव कर रहा है, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.001, तो y2 की वैल्यू रख यहां पे y2 कर देंगे, यहां पे x2 आ जाएगा, तो y2 की वैल्यू रख देंगे 0.001, तो यहां से आ जाएगा 5 into x2, x2 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे सर लोग प्लस का 0.001, सर लोग जरा मेरे को x2 की वैल्यू में बता देंगे, तो x2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0, x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब जब यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट यूज किया जा रहा होगा, ठीक है, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट यूज किया जा रहा होगा। x2 की आ गई, सिमिलरली यहां पे आप लिखेंगे y1 = 5x1 प्लस का 0.001, y1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0.05 = 5x1 प्लस का 0.001, सर लोग जरा x1 की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू कितनी है, 0.0098, दिस इज द योर x1, राइट, यहां पे पुट कर देंगे 0.0098, जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना आ रहा है, सर लोग जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसका ln a mx + c का क्या होता है, 1/m ln mx, कितना आ रहा है जरा बता दो जल्दी से, ये वैल्यू कितनी आ रही है जरा बता दो, सारे के सारे लोग जरा बता देंगे, व्हाट इज द दिस वैल्यू, NTUOG ओनली, NTUOG कितना आ रहा है गौरव, व्हाट इज द NTUOG, यस 5.09 ये आ गया आपका NTUOG, कहां पे पुट करना है, यहां पे, तो पुट कहां पे करना था आपको, यहां पे, तो अपन लोग z लिखेंगे 0.4 × 5.09, तो ये z की वैल्यू आ जाएगी 2.03 मीटर, देख लो ऑप्शन कौन सा है, यस ऑप्शन विल बी ए पार्ट, मजा आया सारे लोगों को, ठीक है ना, प्योर NTU कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो आप इजीली तरीके से बना सकेंगे और कम से कम स्टेप में बना सकेंगे, ठीक है, कम से कम स्टेप में बना सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी मल्टीपल मेथड से किया जा सकता है, ये मैंने अभी जस्ट आपको एक मेथड बताया है, इसके हम लोग 3 से 4 मेथड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन ये तो है, इससे भी एक इजी मेथड है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, ये आप लोग 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी जितना आपने पढ़ा है उसके भी आप पे मैंने बताया है, राइट, चलो फाइन, इतनी बात हमको बिल्कुल समझ में आ गई, कोई सर इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो डन, सारे लोगों का हो गया इसको, चलो फिर मैं रब करता हूँ, सारे एक बार बोल देंगे, सारे लोगों से बन गया क्या, लवली, सारे लोगों से बन गया, डन ना, ये बात हो गई ना। क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन कर लेंगे सारे लोग, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी गेट 1988 में पूछा गया है, ठीक है, 1988 में पूछा गया है, जरा इसको सारे लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये HTU, अभी NTU का कर लिया, ये HTU का कर लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, जितने भी मैं क्लासरूम में क्वेश्चन करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जरा इसको सारे लोग ट्राई करेंगे, इसको ट्राई कर लेंगे एक बार, ओके चलो ट्राई कर लो, देखो ठीक है,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो जरूर पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये जरूर पढ़ना, ठीक है, फिर क्वेश्चन करना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ के पढ़ लोगे ना तो काम हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्टिन्यूअस काउंटर करंट पैक्ड बेड एब्जॉर्बर ऑपरेटिंग एट वेरी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड, वॉल्यूमेट्रिक गैस मास ट्रांसफर कोफिशियंट, इसका मतलब क्या है, जी अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी, जी की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशियंट इज प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, मतलब मास ट्रांसफर कोफिशियंट की मैं वैल्यू बात करूं, मास ट्रांसफर कोफिशियंट का मतलब के वाई, ठीक है ना, के वाई की मैं बात करूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू पावर 0.8, ओके, द गैस फ्लो रेट यस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी इज द डबल, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ट्रांसफर यूनिट, इन केस मैं जी टू को टू जी वन कर दूं, डबल कर दूं, तो हाइट किस तरीके से इंक्रीज करेगी, ठीक है, इसका मतलब एच टू डिवाइडेड बाई, ठीक है, एच टू डिवाइडेड बाई एच वन, ये आपसे पूछा है, हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट एच टी ओ जी, ठीक है, एच टी को मैंने क्या लिख दिया, एच टी यू ओ जी टू डिवाइडेड बाई वन, दूसरे के केस में और पहले के केस में क्या रेशियो होगा ये पूछा है, बताओ, अभी आपने पढ़ा है एच टी यू ओ जी इक्वल टू क्या होता क्या है, जी एस अपॉन ए सी एस डिवाइडेड बाई के वाई इन टू ए इंटरफेसियल एरिया, ये तो होता है, तो यहाँ पे देखो गलती क्या होती है, यहाँ पे गलती पता क्या होती है, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं एच टी यू ओ जी, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं जी टू जी एस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एस, हम लोग ये कर देते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लिख देते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है, गैस फ्लोरेज जस्ट डबल कर दिया गया, आंसर इसका आ जाएगा टू, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मास ट्रांसफर कोफिशियंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनली टू जी टू पावर 0.8, तो यहां पर यह चीज हमको ध्यान में रखना है, के वाई की जगह कितना, ये देखो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो जी की पावर 0.8 यहां पे भी डालना है, इसका मतलब यहां पे डिवाइड में कर देना है 0.8, तो ये डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा जीएस की पावर 0.2, ठीक है, इसका मतलब जो हाइट ऑफ द ट्रांसफर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएस की पावर 0.2, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एच टू डिवाइडेड बाई एच वन इज इक्वल टू जी टू डिवाइडेड बाई जी वन टू टू पावर 0.2, तो G2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G1, तो इसका मतलब 2 की पावर 0.2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा HT2 अपॉन HTUO G1, ठीक है ना, ये रेशियो आ जाएगा 2 की पावर 0.2, आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी बी पार्ट, राइट, इसके साथ मूव कर सकते हैं, दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, जब भी आप HTUO कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, देख रहे होगे आप लोग, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवीजन के लिए जरूर रखना, हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग इसकी डायरेक्ट पावर में कर देते हैं, हम लोग के वाई को ध्यान नहीं देते हैं कि के वाई भी वैरी कर रहा है, के वाई भी गुरु यहां पे वैरी कर रहा है, ये चीज भी नोट करने वाली है, क्लियर, सारे लोगों से बन गया क्या, यस और नो, बन गया, चलो ठीक है, थोड़ा सारे लोग थोड़ा फास्ट मोड में रहेंगे और जल्दी से रिप्लाई करते चले जाएंगे, यस बन गया ना, अब यहां से अपन लोगों ने ये दो क्वेश्चन की बात की, ओके, इसके लिए अपन लोगों को स्पेशल केस पढ़ने होंगे, चलो हेड में डाल दो सारे लोग, एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड स्ट्रिपिंग फैक्टर, हेडिंग डाल देंगे सारे लोग, एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड स्ट्रिपिंग फैक्टर, ठीक है, सारे लोग हेडिंग डाल देंगे एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड स्ट्रिपिंग फैक्टर, ठीक है, हेडिंग डाल देंगे सारे लोग एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड स्ट्रिपिंग फैक्टर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड स्ट्रिपिंग फैक्टर, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, स्ट्रिपिंग फैक्टर क्या होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को एब्जॉर्प्शन फैक्टर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिपिंग फैक्टर को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जो फैक्टर होता है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है? स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, राइट। स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, तो यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, टू द स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, क्या होता है? एल एस अपॉन जी एस डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड बाई एम। तो इसको हम लोग लिखते हैं एल एस अपॉन जी एस इक्वल डिवाइडेड बाई एम, और इन शॉर्ट में इनके सिस्टम आपका डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सिस्टम है। तो आप लोग ए इक्वल टू लिख देते हैं एल वाई एम जी, एल वाई एम जी, ठीक है ना, डाइल्यूट सिस्टम है। तो उस केस में आपका एल एस इक्वल टू एल वन इक्वल टू आपका एल हो जाएगा, जी एस इक्वल टू जी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है ना। सिस्टम आपका डाइल्यूट है, तो सारे लोग मस्त तरीके से लिख लेंगे। दिस द एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ठीक है। ये फार्मूला एक बार गेट में पूछा गया है, डन, ठीक है। ये जितना ज्यादा होगा, नोट नोट करके लिखेंगे, डन, लिख लिया आप लोगों ने, नोट करके सारे लोग लिखेंगे, नोट करके लिख लिया है ना सारे लोगों ने, लिख लेंगे, ठीक है। इनके छूट जाए तो मेरे को बता देना, थोड़ा फास्ट रहेंगे सारे लोग, थोड़ा फास्ट रहेंगे, ओके। देखो नोट करके बात लिखो सारे लोग, नोट करके, इफ एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज ग्रेटर देन वन, दिस द इट मींस ईज ऑफ सेपरेशन, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ए इज इक्वल टू वन, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नॉट पॉसिबल, दिस इज करेक्ट और नॉट, एब्जॉर्प्शन नॉट पॉसिबल। दोनों लाइन सही लिखी है, सारे लोग लिख लेंगे, दोनों लाइन सही लिखी है, ठीक है, सारे लोग लिख लेंगे जल्दी से, और लिख के जल्दी से डन बोलेंगे सारे लोग, लिख के सारे लोग डन बोलेंगे, बिल्कुल डन, सारे लोग डन बोलेंगे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, डन 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 डन, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सारे लोग डन बोलेंगे, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं डन, और जितने भी लोग डन बोल रहे हैं ना सारे लोग गलत हैं, क्योंकि आंख बंद करके सारे लोग पढ़ रहे हो, दिस दिए लाइन मैंने गलत लिख दी है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ये लाइन मैंने यहां पे गलत लिख रखी है, किसी ने नहीं ध्यान दिया, ये लाइन मैंने गलत लिख रखी है, ए इक्वल टू वन स्टिल ड्राइविंग फोर्स इज देयर, ठीक है ना, कोई अल्फा इक्वल टू वन नहीं रहे हो रहा है आपका, आपका क्या था वहां पे, ठीक है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में आप लोगों ने अल्फा अल्फा पढ़ा था ना, ठीक है ना, रिलेटिव वोलेटिलिटी, वो वन नहीं, वो वन हो जाएगी तो डिस्टिलेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ए इक्वल टू वन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जितने भी डन डनाडन बोल रहे हैं ना सब गलत बोल रहे हैं, ध्यान रखना, डन डनाडन नहीं करना है, ठीक है, आंख बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है, ये लाइन गलत लिखी हुई है, ए इक्वल टू वन पर स्टिल एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, ठीक है, इसको इरेज करके अब लिखो दोबारा, मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि कितने लोग पीछे वाला पार्ट रिवाइज करके बैठे हुए हैं, एक भी लोग रिवाइज करके नहीं बैठा है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ कि रिवाइज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल,
ठीक है, ड्राइविंग फोर्स इक्वल हो जाएंगे तब फिर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स। कैसे देखो, प्रूफ कर देता हूं इसको, इसका प्रूफ समझ लो। देखो इसका प्रूफ क्या है, ए इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ए इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, बोथ लाइन हैविंग सेम स्लोप, क्योंकि ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप और इस इक्विलिब्रियम लाइन का, दोनों का स्लोप सेम हो। एक ये इसी स्लोप के साथ मैं दूसरी भी तो लाइन बना सकता हूं, ये बना सकता हूं क्यों नहीं, आप लोग देख रहे होंगे स्लोप सेम है बट ड्राइविंग फोर्स इज देयर, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स है, देख रहे होंगे ड्राइविंग फोर्स है, जबकि ए इक्वल टू वन का केस है, ए इक्वल टू वन है बट ड्राइविंग फोर्स इज देयर, ड्राइविंग फोर्स है तो आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स है तो आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ये होगा y1 इक्विलिब्रियम, ठीक है, y2 इक्विलिब्रियम, ठीक है, y3 इक्विलिब्रियम, राइट, ड्राइविंग फोर्स है तो आपका मास ट्रांसफर होगा, ठीक है, इसका ये प्रूफ है, तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट, देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा आपका ड्राइविंग फोर्स, बट अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता था, इफ अल्फा इक्वल टू 1, यहां पे ड्राइविंग फोर्स आपका 0 था, ठीक है, ये डिस्टिलेशन की बात है, किसकी बात है, डिस्टिलेशन की, ये डिस्टिलेशन की बात है गुरु, दिमाग खोल के बैठना है, यस वेरी गुड अर्स, यस ड्राइविंग फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, मैंने लिख दिया, सारे लोग, मैं बोला हूं डन, सारे लोग बोलेंगे, और सारे लोगों ने पता आंख बंद करके भरोसा कर लिया ना, ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी चकमा दे सकती है बॉल, ठीक है, गुगली होके विकेट में जा सकती है, तो उसी को तो समझना है कौन सी बॉल गुगली आ रही है, ओके, हाँ जयस प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, लेकर आएंगे लेकर आएंगे, बस आप लोग रिस्पांस तो करो यार, मैं तो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूं, बस आप लोग रिस्पांस तो करो, चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे ना, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बस सरते बस इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक, इंटरेस्ट आपको दिखाना होगा, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर 1 हो गया तो स्टिल ड्राइविंग फोर्स इज देयर, ड्राइविंग फोर्स है तो, और जबकि स्लोप दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन विल बी स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन, ये स्लोप, ये क्या है ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है, इसका स्लोप क्या है LYG, और इसका क्या है स्लोप m, तो LYG इक्वल टू m है, तो इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो गया 1, राइट, क्लियर, नाउ बात यहां तक खत्म हुई, नाउ स्ट्रिपिंग फैक्टर हेडिंग डालेंगे सारे लोग, स्ट्रिपिंग फैक्टर स्ट्रिपिंग फैक्टर ठीक है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा उल्टा, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन टू द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन टू द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन ठीक है, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन टू द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, मस्त तरीके से सारे लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू जो होता है स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन m डिवाइडेड बाई एल एस अपॉन जी एस, ठीक है, तो इसको इनके सिस्टम क्या है डाइल्यूट है, तो m अपॉन mg अपॉन l, ठीक है, ये आपका हो जाता है S, सारे लोग लिख लेंगे प्यार से, ठीक है, यहां से आप लिख लेंगे पहले इतना, सर ये 2000 यस का PYQ है, पूछा गया है, डन लिखते चले जाएंगे, अब दोनों में रिलेशन में एस्टेब्लिश करूं A एंड S में, तो रिलेशन की मैं बात करूं, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड s, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू
वन अपॉन एस, ए इज इक्वल टू वन अपॉन एस, ठीक है। नोट करके लिख लेंगे, नोट करके सारे लोग लिख लेंगे, एस हमारा ग्रेटर देन वन है, एक से ज्यादा है, एस इज द ग्रेटर देन वन, दिस इज द गुड फॉर स्टिपिंग, गुड साइन फॉर स्ट्रिपिंग, ठीक है, स्ट्रिपिंग के लिए अच्छा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा नहीं है, ओके। एस इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन इट मींस स्टिल स्ट्रिपिंग इज पॉसिबल, ओके, स्ट्रिपिंग पॉसिबल है, ध्यान रखना, स्ट्रिपिंग इज पॉसिबल, ये मैं लिखवा दे रहा हूं क्योंकि ये गलती हो जाती है, स्ट्रिपिंग इज पॉसिबल, आधे लोग पता गलत लगा के आ जाएंगे, इनके एमएसक्यू बन के आ गया, तो सब लोग बता देंगे स्ट्रिपिंग इज नॉट पॉसिबल। एस इज लेस देन वन, इसका मतलब दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर एब्जॉर्प्शन, गुड फॉर एब्जॉर्प्शन, गुड फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है क्योंकि स्ट्रिपिंग एक से कम है, ठीक है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन फैक्टर एक से ज्यादा है, ये कम होगा जितना, ठीक है, ए उतना ज्यादा होगा, तो एस कम, दिस इज द गुड फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बैड फॉर स्ट्रिपिंग, एस ज्यादा इट द गुड फॉर स्ट्रिपिंग, राइट, ध्यान से देखेंगे सर लोग, लिख लेंगे सर लोग, ठीक है, इसमें एमएसक्यू बन के आ जाएगा तो ये गलत करके आ जाते हैं, इसको लिख लेना सर लोग, ओके, डन, थोड़ा फास्ट लिखेंगे सर लोग, राइट, चलो, तो ये बात तो हम लोगों ने कर ली, ये आप लोगों ने ओप्सो लिख लिया होगा, डन, ओप्सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नाउ आगे मूव करते हैं, स्पेशल केस फॉर द एनटीयू कैलकुलेशन, ओके फाइन, हेडिंग डालेंगे सर लोग, स्पेशल केस फॉर द एनटीयू कैलकुलेशन, स्पेशल केस, चलो एक मिनट, एक काम करो सर लोग, एक क्विज ले लो, एक क्विज ले लेंगे मेरी तरफ से पहले, एक क्विज ले लो, फिर मैं स्पेशल केस करवाता हूं, एक क्वेश्चन होना चाहिए यहां, एक क्विज ले लो सर लोग, क्विज, क्विज डाल देंगे मेरी साइड से आप लोगों के लिए, क्या बिगड़े, ठीक है, तीन ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तीन ग्राफ बने हुए हैं, ए बी सी, ठीक है ना, तीन ग्राफ बने हुए हैं, राइट, अब आपको मैच द कॉलम करना है, ठीक है ना, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है ना, कॉलम को मैच करवाना है, एस इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये आपका पी है, क्यू एस ग्रेटर देन वन, पी क्यू आर, एस लेस देन वन, करेंगे सर लोग, दिस द मैच द कॉलम है, पी क्यू आर को एबीसी के साथ मैच करवाना है, देखो ऊपर वाली ऑपरेटिंग लाइन है, नीचे वाली इक्विलिब्रियम लाइन है, दिस द ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है, दिस द इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है, ये सारी ऑपरेटिंग लाइन है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग लाइन है, ये इक्विलिब्रियम है, करेंगे सर लोग, जरा मैच द कॉलम करो, देखो बात बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, डू दैट फास्ट, तेजी से करेंगे सर लोग,
देखो बात बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है, यस और नो, सोच पा रहे हो क्या? यस, होता क्या था, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन टू द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन। इसका मतलब जिसमें इक्विलिब्रियम लाइन का स्लोप ज्यादा है, स्लोप कैसे निकालेंगे, बॉल डाल दो, मैंने बताया था आपको बॉल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, बॉल डाल दो, ठीक है, बॉल रख दो, तो बॉल का इसका मतलब बॉल यहां पे रखेंगे तो तेजी से लुढ़क के आएगी, यहां पे रखेंगे तो स्लो आएगी, ठीक है, तो यहां पे जैसे रखेंगे तो बॉल, इसका मतलब ऑपरेटिंग लाइन का स्लोप ज्यादा है, इक्विलिब्रियम का कम है, इसका मतलब यस लेस देन वन है, इट मींस ये जो बात लिखी है यस लेस देन वन लिखी है, तो इसका मतलब यस लेस देन वन मतलब पी का आर का ए, आर का ए, ये यस इक्वल टू वन लिखा है, ये यस इक्वल टू वन लिखा है, तो यस इक्वल टू वन का मतलब पी का बी, ठीक है, ये क्या लिखा है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इक्विलिब्रियम का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, ठीक है, तो इसका मतलब s इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब s इज ग्रेटर देन वन मतलब q का c है, तो दिस द योर आंसर, दिस द योर आंसर, जिसका ये आ रहा है वो सही है। देखो कुछ गलत हो गया क्या, बी सी ए बोल रहे हैं लोग, पी का बी, हाँ पी का बी, ओके पी, अच्छा 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 तुम उस हिसाब से बोल रहे हो, ठीक है ठीक है, बी, अच्छा बी सी ए बोल रहे हो, मतलब इससे मैच करवा लो, ओके फाइन, मतलब इससे तुम्हारा मैच हो रहा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ए के लिए मैं बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ए के लिए भी बात कर सकते हो, एस के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मुस्कुरा के बना के आना है, ठीक है, राइट, इसमें किसी को कोई समस्या है ही नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डन, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, लवली, चलो ठीक, तो ए के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ओके ओके, स्पेशल केस फॉर द एनटीव कैलकुलेशन, हेडिंग डाल देंगे सारे लोग, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, इसको ऊपर कर दो, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, ठीक है, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, अरे भाई स्टिपिंग फैक्टर नहीं, एडिंग डाल देंगे सारे लोग, स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, यस मजा आ गया, ठीक है, ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था जो मैंने बना के अभी दिया है आपको, ऐसा क्वेश्चन अभी तक गेट में आया नहीं है जैसा बना के मैंने दिया है, ठीक है, हो सकता है कभी भी टाइम पे आ जाए, कभी भी टाइम पे आ जाए, ठीक है, चलो स्पेशल केस फॉर एनटीव कैलकुलेशन, इसके लिए क्या है, स्पेशल केस क्या है, व्हेन योर बोथ लाइन शुड बी स्ट्रेट, दोनों लाइन सेम हो जाए तब फिर कैसे बात करेंगे, देखना, ठीक है, केस वन, केस वन, व्हेन बोथ लाइन्स आर स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड पैरेलल, एंड पैरेलल, स्ट्रेट तो हो ही, स्ट्रेट के साथ साथ पैरेलल भी होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट तो हो ही, स्ट्रेट के साथ साथ पैरेलल भी होनी चाहिए, ठीक है, इस केस में आपका एनटीव कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, गेट 2020 इसमें मैं लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2020, ठीक है, 2021, ठीक है ना, इसी केस पे पूछा गया है, ठीक है, दोनों बार 2 मार्क का, ध्यान देना, ठीक है ना, 20 में भी 2 नंबर का पूछा गया है, 21 में भी 2 नंबर का पूछा गया है, अभी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, दोनों लाइन स्ट्रेट और पैरेलल हो जाए तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, पहले इसका थोड़ा सा फिगर बना लो समझने के लिए, इसका सर लोग फिगर बना लो समझने के लिए, दिस द योर ऑपरेटिंग लाइन, इक्विलिब्रियम लाइन और दिस द ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है, बोथ शुड बी स्ट्रेट एंड पैरेलल, यही तो है, स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है, ठीक है, स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है, राइट, नाउ अभी आपने लिखा था
एनटीयू कैलकुलेशन की, एनटीयू ओजी आपने लिखा क्या था, आप लोग लिख के क्या लेकर आए, आप लोग क्या क्या लिखकर आए हैं, आप लोग पढ़ के क्या आए हैं, इक्वल टू वाई टू से वाई वन सर डी वाई अपॉन वाई माइनस का वाई इक्विलिब्रियम हम पढ़ के आए हैं, ये तो आप लोग पढ़ के आए हो। तो सर लोग ये बताओ ये क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, आप लोगों को दिख रहा है क्या ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टेंट होता हुआ, आप लोगों को दिख रहा है ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टेंट होता हुआ, यस और नो, सर लोगों को ये ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टेंट होता हुआ दिख रहा है, दिस द कॉन्स्टेंट यू कैन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, यस और नो, यही कॉन्सेप्ट है, आपको ये कॉन्स्टेंट होता हुआ दिखा, चमक रहा है कि नहीं, देखो तो ये अपना ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, वैन योर बोथ लाइन शुड बी स्ट्रेट, इसका मतलब क्या हो गया, ये केस किसका है, इट द कॉन्स्टेंट, इट द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्यों कॉन्स्टेंट, क्योंकि ए इज इक्वल टू वन की केस है, दोनों लाइन कैसी है, स्ट्रेट है और पैरेलल है, तो ए इज इक्वल टू वन वाले केस में ये आपको कॉन्स्टेंट होता हुआ दिख रहा होगा, इसको बाहर लिख लो, इसको सारे के सारे लोग थोड़ा बाहर लिख लेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, एन टी यू ओ जी, इसको ये अपना बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा y माइनस का y इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये क्या है ओवरऑल चेंज अपॉन एवरेज ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ये क्या लिखा है चेंज अपॉन ड्राइविंग फोर्स, तो ये तो आप लोग लिखते हो एन टी यू ओ जी इक्वल टू क्या आ जाएगा चेंज, चेंज कितना हुआ y1 से y2, ठीक है, और एवरेज ड्राइविंग फोर्स कितना है y, ये देखो ये आपका ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टेंट है y माइनस का y इक्विलिब्रियम, ये चाहे आप बॉटम में लगाओ चाहे टॉप में लगाओ कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो y1 माइनस y2, इनकेस बॉटम में लगा रहे हो तो कैसे लगाएंगे y1 माइनस y1 इक्विलिब्रियम, इनकेस आप टॉप में लगा रहे हो तो कैसे लगाएंगे y1 माइनस का y2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y2 इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये तो क्या है कॉन्स्टेंट है, कहीं पर भी लगाओ आंसर हमेशा सेम आएगा y2 माइनस y2 इक्विलिब्रियम, ये तो कहीं पर भी लगाओ चाहे आप टॉप में लगाओ चाहे बॉटम में, ये किसके लिए लिखा है मैंने बॉटम के लिए, ये लिखा है मैंने बॉटम के लिए, ये किसके लिए लिखा है टॉप के लिए, दिस इज द फॉर बॉटम दिस इज द फॉर टॉप बोथ विल बी सेम, नो प्रॉब्लम, ठीक समझ में आया, सारे लोग बताएंगे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, डन देखो तो चाहे टॉप में लगाओ चाहे बॉटम में लगाओ आंसर विल बी सेम, नाउ अब मैं देता हूं क्वेश्चन, ये किसके लिए है ए इक्वल टू वन के लिए है, ये मैंने बात किसके लिए कर ली एनटीयूओजी के लिए, सिमिलरली आप लिक्विड के लिए भी बात कर लोगे, ठीक है आपको लिए मैं बात करूं किसके लिए स्ट्रिपिंग के लिए मैं बात करूं, ठीक है तो स्ट्रिपिंग के लिए देखो कैसे बात करेंगे, अगेन स्ट्रिपिंग के लिए कैसे, ये देखो क्या लिखा है ओवरऑल चेंज, अच्छा अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग बॉटम और टॉप में से लगाना किसको पसंद करेंगे, तो हमेशा ट्राई करना टॉप को लगाओगे आपका आंसर फास्ट निकलेगा, ठीक है आप लोग कभी हमेशा टॉप को लगाओगे क्योंकि ये कंपोजिशंस गिविन होंगी, ये कंपोजिशंस वाई वन क्यों ये वाले कठिन हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आप वाई वन इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इसके लिए चाहिए होगा एम एक्स वन और एक्स वन निकालना कठिन होता है, ये निकालना कठिन होता है या तो फिर बैलेंस करके निकालो, ठीक है यहाँ से निकालेंगे वाई टू गिविन होगा
y2 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू mx2, ठीक है। हो सकता है आपका सॉल्वेंट प्योर होगा तो x2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तुरंत मुस्कुरा के निकाल दोगे, ठीक है। अदरवाइज यहां से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हो सकता है आपका ये कॉम्प्लेक्स हो जाए क्योंकि x1 फिर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इस वजह से आपको प्रेफर किसको करना है, इसको, दिस इज द प्रेफरेबल, ठीक है ना। इसको आप लोग हमेशा प्रेफर कर सकते हैं, दिस इज द प्रेफर्ड, ठीक है ना। इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, समझ रहे हो क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसको प्रेफर करने के लिए y2 is equal to mx2, x2 गिवन रहता है, जबकि इसके लिए y इसको y1 स्टार निकालने के लिए mx1 निकालेंगे तो x1 आपको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। x1 कैलकुलेट करना इटसेल्फ एक वन क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था जिसका आपने 0.005 निकाला था, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज प्रेफर दिस वन, राइट। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सर, ये हो गया, ये हो गया, ये करिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया गुरु, ये पूछा गया 2020 में, 2020 में पूछा गया, जरा करेंगे। ट्राई करेंगे सारे लोग अपने बिहाफ पे, ठीक है। दो मिनट का टाइम लो और जरा ट्राई करने कोशिश करो निकालने का। दो मिनट का मैं चलो टाइम दिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दो मिनट का आपको टाइम दिए दे रहा हूँ, ठीक है। टाइमर लगा के टाइम दूंगा तो आप लोग थोड़ा सीरियस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइमर लगा के मैं टाइम देना चाह रहा हूँ, चलो आप लोग करें तब तक, पूरा ये पेज है, ठीक है, आप लोग करें, सब कुछ दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, लो और बड़ा कर दिया, ठीक दिख रहा होगा, ठीक है, लो, ठीक है, दिख रहा होगा सारे लोगों को। ट्राई करेंगे, आप लगाना शुरू कर दो, आप लोग शुरू कर दो करना, मैं आपका टाइमर सेट किए दे रहा हूँ। चलो दो मिनट का टाइम लो, जरा कोशिश करो बनाने की, दिख रहा होगा सब कुछ, सब कुछ दिख रहा है, ना दिख रहा हो तो मैं हाईलाइट कर दूं। y स्टार इक्वल टू 40x लिखा हुआ है, ठीक है, y स्टार इक्वल टू 40x लिखा हुआ है, ठीक है, ये y स्टार इक्वल टू लिखा है 40x, ठीक है, और तो कुछ दिक्कत है ही नहीं इसमें। यहां पे लिखा है 0.05 मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 0.015, ठीक है, यहां पे अगेन 0.005, ठीक है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, बस ट्राई करो। यहां पे 0.05 लिखा है, टोटल फ्लो रेट SO2 प्लस एयर वो लिखा है 0.05 मोल किलो मोल पर सेकेंड, 0.05 यहां पे लिखा है 0.005, ठीक है, और ये लिखा है 0.015, ठीक है। इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, मोल फ्रैक्शन SO2 का गिवन है 0.015, टोटल फ्लो रेट 0.05, ये इसी वजह से दिया है सेम जैसा कि गलती हो। डन, ओम पटेल का आंसर आया है 2 अभी तक। यस, आपको देखना पड़ेगा किसका केस है। अक्षय, सबसे पहले आप क्या काम किए होंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर निकाले होंगे, सबसे पहले आप क्या काम किए होंगे, एब्जॉर्प्शन फैक्टर निकाले होंगे, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहला आपका काम है एब्जॉर्प्शन फैक्टर कैलकुलेट करना, तो ए इक्वल टू आपने कैलकुलेट किया होगा, देखो सिस्टम इधर डाइल्यूट, डाइल्यूट है तो तुम मोल रेशियो में लो चाहे मोल फ्रैक्शन में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन इधर डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आप चाहे मोल रेशियो में लें और ऑपरेटिंग लाइन्स आर लीनियर, सब कुछ दिया है, ओके। तो तुम क्या, आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, एल वाई एम जी,
तो एल कितना जा रहा है, एल इक्वल टू टू आ रहा है, इक्विलिब्रियम रिलेशन 40 इंटू गैस फ्लो रेट 0.05, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ए इक्वल टू आ रहा होगा सारे लोगों का 1, ठीक है, सारे लोगों का। सबसे पहले एक काम आप लोगों ने किया होगा, ए इक्वल टू तो 1 आ रहा होगा, ठीक है, सारे लोगों का ए इक्वल टू सर मेरा 1 आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, हमारा ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब ए इक्वल टू 1 का मतलब स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या था एन टी यू ओ जी का निकालने का, क्या था, वाई वन माइनस का वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई टू इक्विलिब्रियम, तो वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन कितना है 0.015 माइनस का 0.005 डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई टू स्टार, वाई टू अगेन, वाई टू मीन्स दिस वन, 0.005 माइनस का y2 स्टार, y2 स्टार कैसे निकालेंगे, mx2, यहां से देखो, यहां से देखना, y2 स्टार कैसे निकालेंगे, y2 स्टार इक्वल टू लिखेंगे 40 x2, सार लोग ये बता दो x2 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में लिखा है प्योर वाटर, प्योर वाटर इसका मतलब x2 कितना हो जाएगा 0, तो y2 स्टार की वैल्यू 0 क्योंकि प्योर वाटर है, तो y2 स्टार इक्वल टू 0, तो इसका आंसर यहां से आप लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, देखो 2 आ रहा होगा, Yes. यहां से आपका 2 आ रहा होगा, लवली लवली क्या बात है। तो देख रहे हो मैंने बताया ना था कि ये वाला पार्ट हमेशा, जो सेकंड वाला पार्ट होता है हमेशा इजी होता है, अदरवाइज आप कैलकुलेट तो y1 माइनस y1 इक्विलिब्रियम से भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसका सेकंड मेथड से आप लोगों को मैं कैलकुलेट करवाऊं, सारे लोग रेडी हैं क्या देखने के लिए, अदरवाइज y1 माइनस y1 इक्विलिब्रियम से भी सेम आंसर आएगा, बट पॉइंट ये है कि वो उसमें फिर x1 कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। सर लोग बताओ इसका सेकंड मेथड चाहते हैं क्या, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं करवाऊं। यस प्योर में ही जीरो आता है, यस सर, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तब वो अमाउंट ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसका सेकंड मेथड आप लोग चाहते हो तो बताओ मैं करवा दूं, ठीक है, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आंसर विल बी डी पार्ट, रेडी है सर लोग, है ना। तो देखो अब अपने लोगों ने अभी क्या किया, क्या लिखा था, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन वाई वन माइनस वाई इक्विलिब्रियम, तो देखो इसको थोड़ा ऊपर सरका दो, अपन लोगों ने एक तो दो तरीके से लिखा था ना एन टी ओ जी, टॉप में लगाया था बॉटम में लगाया था, तब अपना ए इक्वल टू 1 हो रहा था, एज इक्वल टू 1 के केस में आपने एन टी ओ जी दो तरीके से लिखा। सर मैंने अभी लिखा था वाई वन माइनस का वाई टू ओवरऑल चेंज अपॉन एवरेज ड्राइविंग फोर्स वाई टू माइनस वाई टू स्टार, सर मैं यहां से तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। अब आपने एक और तरीका बताया था वाई वन माइनस का वाई टू अपॉन वाई वन माइनस वाई वन इक्विलिब्रियम, सर ये भी लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, आपकी आपका घर कुछ भी करो, ठीक है, वाई वन माइनस वाई वन इक्विलिब्रियम। अब वाई वन तो हमको पता है, y1 पता है, y2 पता है, y1 पता है, y1 इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, y1 इक्विलिब्रियम निकालेंगे 40x1, दैट मींस आपको x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब x1 कैलकुलेट करो, x1 सारे लोग कैलकुलेट करेंगे, जरा x1 कैलकुलेट करेंगे, मैंने ये बोला था x1 आपको कैलकुलेट करना होगा अब यहां से। अब अगेन सारे लोग प्रीवियस जैसे आप लोग करते थे, सारे लोग जरा x1 कैलकुलेट करके दिखाओ, x1 सारे लोग जरा कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा, करो सारे लोग जरा करो कितना आ रहा है, रफी नहीं हो रही है तो ठीक है, x1 देखो कितना आ रहा है, करेंगे सारे लोग जरा, x1 सारे लोग जरा बताओ कैलकुलेट करके, x1 कैलकुलेट करके बताओ, x1 सारे लोग कैलकुलेट करके बता दो, डेटा आपके पास अवेलेबल है, वेरी गुड ओम लवली, हाँ सर थोड़ा आइडिया मिल जाए, आइडिया दे दिया है मैंने, ठीक है, बस x1 कैलकुलेट करना है। तो x1 देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस लगा लो, तो क्या लगाएंगे, gs इंटू y1 माइनस का y2 इक्वल टू ls, कैसे लिखेंगे, ओके ये वाला ज्यादा होगा, x1 माइनस का x2
यहाँ पे क्या होगा x1, यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे आपका y1 होगा, ex2 होगा। तो gs की वैल्यू आपको गिविन है, gs की वैल्यू गिविन है, ठीक है, कितना 0.05 डाइल्यूट है, तो आपको चेंज, आपको बिल्कुल वरी करने की नीड नहीं है, सिस्टम डाइल्यूट है, तो g1 gs सब सेम है, 0.05, y1 कितना है 0.015, माइनस का y2 कितना है 0.005 इक्वल टू ls कितना है 2, आपका x1 आपको निकालना है, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्योर है तो 0, तो यहाँ से x1 सारे लोग जरा निकाल लो कितना आ रहा है, देखो x1 कितना आ रहा है, यस अनुज बोल रहे हैं 0.0025, देखो इतना आ रहा है क्या, इतना आ रहा है क्या, देखिए सारे लोग, यस ओवरऑल बैलेंस, यस यस डाइल्यूट बोला है इसलिए उसका g1 इक्वल टू gs होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वेश्चन में लिख रखा है डाइल्यूट, तो g1 इक्वल टू gs हो जाएगा, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y हो जाएगा, बिल्कुल सरल हलवा बना के दे दिया है क्वेश्चन। यहां तक पहुंच गए, चलो y1 स्टार बता दो कितना आ जाएगा, y1 स्टार कितना आ जाएगा 40 into x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0025, यहां से आ जाएगा y1 स्टार, तो y1 स्टार की वैल्यू जरा बता दो कितनी आ रही है, 40 का मल्टीप्लाई इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन है y इक्वल टू 40x, y1 स्टार कितना आ रहा है देखो 0.01, चलो 0.01 के साथ पहले सारे लोग मुस्कुराएं, मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं बोलो, चलो 0.01 अब उठा के यहां पे डाल दो, कहां पे डालना है, यहां पे डाल दो, तो कितना आ जाएगा देखो, अब एन टी यू निकाल लो, एन टी यू ओ जी, वाई वन कितना था 0.0, देखो कितना था वाई वन था 0.015, वाई टू था 0.005, वाई वन था 0.015 माइनस 0.005 अपॉन वाई वन, अगेन दिस वन 0.015 माइनस का y1 इक्विलिब्रियम अभी आपने निकाला है 0.01, यहां से देखो दो आ रहा होगा, देखो आ रहा है सेम आंसर की नहीं, आ रहा है सेम आंसर की नहीं, दिस इज द मेथड टू, यस टू इज कमिंग, अब तो मुस्कुरा लो, ठीक, तो पॉइंट ही है कैसे भी करो, आपको चीजें तब आप पता है, आप रेडी रहो, चाहे बाउंस आए उसके लिए भी, गुगली आए उसके लिए भी, यॉर्कर आए उसके लिए भी, यू आर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर, ठीक है ना, एवरी टाइप ऑफ द सिचुएशन, किसी भी टाइप की सिचुएशन है आप जस्ट प्रिपेयर रहो, ठीक है, बस बैटिंग करनी है तगड़ी वाली, ठीक है ना, ऐसी तैयारी कर लो कि बल्ला घूमे बॉल वहां पे आए, ना कि जहां पे बॉल जाए वहां पे बल्ला जाए आपका, ठीक है ना, बैट जिस एरिया में घूम जाए उस एरिया में बॉल आनी चाहिए, ठीक है ना, ओके, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन उसे नहीं बोलते हैं जहाँ पे बॉल जा रही है वहाँ पे बैट कर रहे हो, आपका बैट ही ऐसा चलना चाहिए यहीं पे बॉल आनी है, ओके, तैयारी ऐसी करो, ठीक है, मस्त वाली तैयारी करो, रैंक 2 डिजिट में आएगी आपकी, ठीक है, ठीक, कैसी भी तैयारी करो यार, मस्त तरीके से चीजें चारों तरफ से आपको आनी चाहिए, कोई पूछ दे क्या सर ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, सोचो करो, दिन भर आप टाइम दो उसमें, देखना आपके रैंक आएगी, कोई जरूरी नहीं है 50 क्वेश्चन लगाओ एक दिन में,
आपने ये क्वेश्चन किया ना, आपने 10 क्वेश्चन तोड़ दिए हैं, पता है आपको, एक क्वेश्चन करने से आपके 10 क्वेश्चन टूट गए हैं, बस आपको अपने डिफरेंट तरीके से सोचा। आपने एक्स वन कैलकुलेट यहाँ पे किया, 2019 का क्वेश्चन, दो नंबर का, एक तो वाला पार्ट आपने कवर किया मटेरियल वैलेंसी, ठीक है ना। दूसरे तरीके से आपने एन टी यू जी कैलकुलेट किया, वो 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट काफ़ी टाइम हो सकता है आपसे, एक्स वन जो आपने कैलकुलेट कर लिया था उससे आपने वाई ये निकाला ना, राइट। तो ये स्मॉल पार्ट पूछा जा चुका है इसका, तो एक वही तो मैं बता रहा हूँ कि कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे करो, सिलेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। रैंक आएगी चारों तरफ से, एक एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी मेथड को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही फॉलो करें ना, हम अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। सर हमको जो डेटा अवेलेबल होगा हम उस हिसाब से लगाएंगे, हम बस अपना कैलकुलेशन एटलीस्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, दैट्स इट। चलो एक ये देखो क्वेश्चन पूछा है, चलो यहीं पे कर लो, 2021 में। सर नॉन गेट के क्वेश्चन करवाओ, नॉन गेट के क्या भैया, हर्ष पहले गेट के तो कंप्लीट कर लो, ठीक है, गेट की कंप्लीट कर लो, गेट से ही सब कुछ बनता है, मैं बता दे रहा हूँ, PYQ से ही सब कुछ आता है। नॉन गेट के भी क्वेश्चन करवा देंगे, अभी जस्ट इसका मैं टेस्ट पेपर लेकर आने वाला हूँ, तो नॉन गेट के भी क्वेश्चन होंगे। नॉन गेट के उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं रहते हैं जितने गेट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, हमेशा ट्राई करो गेट के क्वेश्चन बार बार लगाओ। ये देखो क्वेश्चन एक बार आ चुका है, फिर से पूछा गया है, एक बार आ चुका है फिर से पूछा गया है, रिपीट होते हैं गेट के क्वेश्चन। जस्ट डू दिस, गेट के ही नहीं सॉल्व हो रहे। यस, जस्ट आप लोग प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है, मस्त तरीके से आप लोग चीज़ें करते रहें, हम लोग तो फिर हैं ही, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखो आंसर क्या आ रहा है, अगेन देखो ये स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन है, अभी जैसे आपने लिखा था ना, ओवरऑल चेंज अपॉन ड्राइविंग फोर्स, तो स्ट्रिपिंग का केस NTUOL लिखना है, तो NTUOL लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ओवरऑल चेंज कितना होगा, X2 माइनस X1 कितना होगा चेंज, X2 माइनस X1, राइट। देखो चेंज कितना होगा ओवरऑल, यहाँ पे आपका X2 होगा और यहाँ पे X1 होगा, तो X2 तो ज़्यादा होगा ना, X1 कम होगा, तो X2 माइनस X1 करेंगे क्योंकि स्ट्रिपिंग है, स्ट्रिपिंग में क्या ज़्यादा होगा, X2 ज़्यादा होगा, क्योंकि फीड अब क्या है, सॉल्वेंट, ये जो लिक्विड फीड है आपका, गैस क्या है, सॉल्वेंट, अपॉन क्या होगा, ओवरऑल चेंज अपॉन एवरेज ड्राइविंग फोर्स, तो तुम चाहे लिखो X1 माइनस X1 इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्वल टू, चाहे तुम ऐसे भी लिख लो X2 माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X2 इक्विलिब्रियम, चाहे ऐसे लिख लो, जैसे भी सुविधा हो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन से मैच करवा लो। अच्छा अब एक चीज़ और देख लो, X1 इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम रिलेशन गिविन होगा, Y*=MX, तो Y=, गिविन है MX, ठीक है, X1 कैसे निकालेंगे, Y1=MX1, तो Y1 देखो क्या गैस प्योर है, क्या गैस देखो कहीं पे लिखा है प्योर, देखो गैस प्योर होगी तो क्या हो जाएगा, X1 जीरो हो जाएगा, देखो कहीं पे लिखा जरूर होगा प्योर गैस, ये मिल गया भाई साहब, पकड़ लो प्योर गैस, देखो लिखा हुआ है प्योर गैस का मतलब Y1 जीरो, तो 0=MX1, तो X1 कितना हो जाएगा, X1=0 हो जाएगा, तो X1 जीरो हो गया, X1 स्टार जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है, तो X1 स्टार आपका जीरो हो गया, ठीक है, तो आपका आ जाएगा X2 माइनस का X1 डिवाइडेड बाई X1, ठीक है। देखो आंसर क्या मिल रहा है, और वो भी दो नंबर का है, ये 2 मार्क का, यस सर लिखा है, ढूंढ के पकड़ के इसको खींच के लेकर आओ, जहां मिल गया, ठीक है, प्योर गैस। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ऊपर प्लस तो आएगा ही नहीं, एलन में आएगा ही नहीं, ऐसे ही आप बिना ये सब कुछ किए ही टिक मार सकते थे, बिना कुछ ये सब बवाल किए टिक मार सकते थे, देखो प्लस होगा नहीं, एलन में तो आना ही नहीं है, ये सब बिना लिखे ही कर सकते थे,
ठीक है, डायरेक्ट आप मुस्कुरा के यही टिक मारोगे। ठीक है, ये तो सब बस आपने एक बार पढ़ाओ। कहाँ लिखा है गोपाल भैया? ये लिखा हुआ है माइल गोपाल, यू कैन सी हियर। समझ में आया? तो बिना मतलब ये सब कुछ किए ही लिख सकते थे आंसर ए टिक। थर्ड लाइन में मुस्कुरा के लिखा हुआ है, देखो तो मैंने गोला कर रखा है इतना बड़ा, दिख नहीं रहा है क्या? अभी भी दिखना चाहिए, राइट? तो समझ में आया? ये देखो दो नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। चलो डन नाउ, ओके नाउ। अब मैं मूव करता हूं कुछ इस कुछ और केसेस हैं इंटीव कैलकुलेशन के, ओके एडिंग डाल देंगे क्रैम्सर इक्वेशन। क्रैम्सर इक्वेशन से पहले एक और हेडिंग डालेंगे, उसको मैं करवा देता हूं। हेडिंग डालेंगे, ये केस तो आपने अभी एक स्पेशल केस पढ़ लिया कि एनटीयू का सर हमने कैलकुलेट करने का, अभी तो हमने एक एक केस आपने पढ़ा एनटीयू कैलकुलेशन का, आपने पढ़ा कि सर ए इक्वल टू वन हो जाएगा तो आप लोग एनटीयू कैलकुलेट कर देंगे। कैसे आप एनटीयू कैलकुलेट कर देंगे? एनटीओजी कैलकुलेट कर देंगे सर, y1 माइनस का y2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y2 इक्विलिब्रियम। सर एक तो हमने ये केस पढ़ लिया, दूसरा आपने पढ़ लिया था a इक्वल टू वन ना हो तब, ठीक है, a इक्वल टू वन ना हो, अदरवाइज ये जर्नल है सबके लिए एनटीओजी, ये जर्नल है क्या y2 से y1, ठीक है, ये क्या था dy dy अपॉन y माइनस का y इक्विलिब्रियम। अभी जो 2020 का क्वेश्चन किया था आप लोग यहां से भी कर सकते हैं, अभी जो 2020 का क्वेश्चन किया था ना जिसका आंसर दो आ रहा था, उसका थर्ड मेथड ये है, ठीक है ना। मैंने प्लस पर अभी बच्चों को करवाया है, जो यहां पे प्लस के बच्चे होंगे उन लोगों ने देखा होगा, वाला क्वेश्चन मैंने चार तरीके से करवाया है, ठीक है, एक यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है, ये ऑल टाइम वैलिड है आपका, ठीक है, ये आपका जर्नल है, दिस द जर्नल, ठीक है ना, ये वैलिड ऑल टाइम जर्नल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये वैलिड हर एवरीवेयर है, चाहे ए इक्वल टू वन, ए नॉट इक्वल टू वन के लिए भी वैलिड है, ए इक्वल टू वन के लिए भी वैलिड है, ठीक है, ये वाला फार्मूला, राइट? यस प्रिया, क्रैश कोर्स अब आपका कितने यूनिट बचे हैं? ठीक है, देखो आज आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब आपका क्या बचा है? ह्यूमिडिफिकेशन एक दिन, एडजॉर्प्शन एक दिन, ड्राइंग एक दिन, कल से आपका ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइंग के दो दिन मान लो, एक दिन या दो दिन मान लो, ठीक है ना, हार्डली एक दिन लगेगा या दो दिन, छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग, आज कितनी है, 9, 10, 11, 12, ठीक, और आपका एक्सट्रैक्शन पर लगेंगे मुझे 3 लेक्चर, 13, 14, 15 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने 11 से स्टार्ट किया था, मैंने कब से स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स, 11 से स्टार्ट किया था और मैंने 30 दिन बोले थे, एक महीना बोला था, मैंने बोला था एक महीना लगेगा इनकेस बीच में कोई छुट्टी नहीं पड़ती है, जस्ट दिवाली की छुट्टी बढ़ गई तो इस वजह से आपका 4 दिन खिंच गया आगे, अदरवाइज आपका 11 से 11 ही खत्म होता, 4 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। 11 तारीख से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था 11, और 30 दिन का मैंने टारगेट दिया था आपको, मैं 30 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है, दिवाली की छुट्टी की वजह से हम लोगों को 4 दिन बढ़ गया, अदरवाइज ये 4 दिन नहीं बढ़ते, ठीक है, 11 से 11 ही खत्म होता। यस, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपका मेम्ब्रेन सेपरेशन, ठीक है, आपका जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है तो मैं अब एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक पढ़ाऊंगा मेम्ब्रेन सेपरेशन, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन थर्मो भी करवाऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन थर्मो भी क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, उसको भी करवाऊंगा, अदरवाइज जिन लोगों को अभी ज्यादा जल्दी है सॉल्यूशन थर्मो, उसके लिए मैंने ऐप पर कंप्लीट पूरा करवा रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, दिस द फ्री टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये सारी क्लासेस फ्री में करवा रखी है मैंने स्पेशल पर, तो जिन लोगों को भी सॉल्यूशन थर्मो वहाँ से कवर करना है वो लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये सारा पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ सेशन लूँगा उसमें सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा लूँगा, ठीक है। प्रिया सर ऑपरेटिंग लाइन का एक ऑपरेटिंग लाइन का इक्विलिब्रियम लाइन ना गिवन हो तो कैसे करेंगे भी मैं बता रहा हूं।
ऐप वाला, यस ऐप वाला भी पूरा है, ऐप वाला भी पूरा है, ठीक है, उसमें भी पूरा कंप्लीट है, बस थोड़ा फास्ट है, ठीक है। अब यार चीज़ें थोड़ी फास्ट ही आपको मिलेंगी, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये चीज़ें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था आराम आराम से, ठीक है, वो अब इतना टाइम आप लोगों के पास कम टाइम बचा है तो उसी हिसाब से एक्सेलरेट भी करेंगे अपन लोग, ठीक है, आप ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। राइट, ओके, एक थर्ड फार्मूला एनटीयू कैलकुलेशन का, एक थर्ड, इफ बोथ लाइंस शुड बी स्ट्रेट, ठीक है, थर्ड केस, केस थ्री, इफ इफ बोथ लाइंस आर स्ट्रेट not parallel, parallel नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब a not equal to one होना चाहिए, मतलब parallel नहीं होनी चाहिए, ठीक है, straight हो लेकिन parallel ना हो, मतलब a not equal to one के केस में, in case a not equal to one है तो NTUOG कैसे calculate करेंगे, देख NTUOG जब calculate करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना, ln y1 माइनस का mx2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस का mx2, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन a प्लस का 1 अपॉन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 1 अपॉन a, 1 माइनस का 1 अपॉन a, ध्यान रखना ये लगेगा, ठीक है, ये आएगा, तब a इज इक्वल टू नॉट वन, बस लाइन शुड बी स्ट्रेट होनी चाहिए तभी आप a कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सारे लोग लिख लेंगे इसको, याद कर लेंगे, दो से तीन बार लिखेंगे याद हो जाएगा, मैंने भी याद कर रखा है, आप लोग भी याद कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सरल है, कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, एंट्री, ये क्या है एंट्री, माइनस इक्विलिब्रियम, ये क्या है एग्जिट, माइनस इक्विलिब्रियम, दोनों जगह mx2 होगा, ठीक है, एंट्री माइनस इक्विलिब्रियम अपॉन एग्जिट माइनस का इक्विलिब्रियम, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ओके, इसके लिए ध्यान रखना a इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है, a इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये वैल्यू सब जीरो हो जाएगा, ln जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट बना देगा ये सब, ओके, a नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, ऑल टाइम वैलिड नहीं है, ऑल टाइम वैलिड इंटीग्रेशन वाला ऑल टाइम वैलिड था, दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइम, लिख लिया। अब जो 2004 कब 2005 में जो क्वेश्चन आया था वो वाला सारे लोग इस वाले फार्मूले से घर पे कर लेंगे, ठीक है, सारे लोग जो ये वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, देखो किधर गया ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ये वाला क्वेश्चन सारे लोग इस वाले फार्मूले से ट्राई करेंगे, क्या अभी करना हो तो अभी कर लो, एक मिनट लगेगा, जरा कर लो, अभी कर लो सारे लोग सेकेंड मेथड से, ठीक है, सेकंड मेथड जो अभी मैंने फार्मूला लिखवाया है उससे सारे लोग ट्राई करेंगे, जो अभी मैंने लिखवाया है सारे लोग जरा उससे ट्राई करेंगे, एवरीवन डू फास्ट, कल मॉर्निंग में आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का मॉक टेस्ट पेपर होगा, ठीक है, कल मॉर्निंग में मॉक टेस्ट पेपर होगा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का, सारे लोग रेडी रहेंगे कल सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट होगा। अब परसों आपने इतनी यूनिट पढ़ ली है, मास ट्रांसफर का भी मैं टेस्ट रख दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, सो दैट आपका प्रॉपर तरीके से पैकेज क्लियर हो जाएगा। परसों मैं मास ट्रांसफर का पूरा आपको दे दूंगा, कल वाला जो सेशन होगा उसमें 1.5 घंटे ये चलेगा और 1 घंटे आपका टेस्ट रख देंगे, ठीक है, चलो जरा इसको करेंगे, अभी जो मैंने फार्मूला लिखवाया है ना उसी से करेंगे, NTUOG का क्या लिखा था आपने, देखो, हाँ,
एनटीईओजी क्या था, एल एन वाई वन, वाई वन इसमें कितना है देखो 0.05। अब क्या था एम एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू इसमें जीरो निकल के आई थी, आपको ध्यान होगा तो। यस, ये रिलेशन है एच टी एच ई टी पी और एच टी ई ओ जी में, ये कोई फार्मूला नहीं है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एच ई टी पी एंड एच टी यू सिप, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, अभी मैं करवा दूंगा कैसे आया है, डोंट वरी। 0.05 माइनस का, माइनस का एम एक्स टू जीरो आया था, आपने ध्यान दिया होगा, एम एक्स टू की वैल्यू इसमें जीरो आई थी, आपने कैलकुलेट किया था। ठीक है, ना कैलकुलेट किया हो पीछे पलट के देख लें पेज, वहां पे एक्स टू कैलकुलेट आया था आपका जीरो, तो ये आ जाएगा 0.001। ठीक है, माइनस का जीरो इंटू वन माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑपरेटिंग लाइन 5 और इक्विलिब्रियम रिलेशन 1.5, तो कितना आ जाएगा 5 / 1.5 3.33। ठीक है, तो 1/3.33 प्लस का 1/3.33 डिवाइडेड बाई 1 - 1.33 3.33। ध्यान रखना ये पूरा कैलकुलेट, ये पूरा पहले कैलकुलेट कर लेना तब एलएन लेना, ये वाला पूरा पहले पार्ट, दिस वन दिस वन दिस वन, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद एलएन लेना। ओके, पता चला आपने इतना सॉल्व कर लिया उसका एलएन ले लिया ना, ये पहले पूरा कैलकुलेट कर लेना तब इसका एलएन लेना। ओके, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 point something आ रहा होगा, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 point something आ जाएगा। आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, यस और नो, सेम, वेरी गुड, मुस्कुरा रहे होगे। यस सर, कमिंग। सेम आ रहा है, लवली। आ रहा है कि नहीं, तो इसको 0.4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से, तो इसका मतलब अब आपने समझ लिया कि ये फास्ट है, ये फास्ट है, इंटीग्रेशन वाला उतना फास्ट नहीं है, ये फास्ट है, इसको यस एचआर, ये तुम्हारा एनटीओजी वहाँ पे भी उतना ही आ रहा था। ठीक है, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ये फास्ट है आपका। ठीक है, इनकेस आपको स्लोप पता है तो इसको आप लोग लगाएंगे, जस्ट इसमें क्या है कि इसी को सॉल्व करना रहता है, उसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, लिमिट चेंज करेंगे, एक चीज भूल गए समझ लो गया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आ जाए इनके साथ एक ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू तभी निकाल पाएंगे तब दोनों ऑपरेटिंग लाइन गिविन है, ऑपरेटिंग लाइन गिविन है तो इस वाले फार्मूले से जाएंगे, ये आपकी कैलकुलेशन टाइम बचाएगा, टाइम बचाएगा, बस हमको फार्मूला लेकिन याद रखना है, फार्मूला याद होगा तो सीधा सीधा इसको फिर सॉल्व करना रह जाता है और कुछ नहीं, ये फास्ट है। ओके, चलो डन। ठीक है, ओके डन। ओके, अब मैं बात करूंगा यहां से, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, देखो काफी क्वेश्चन कर लिए आज आपने 2 से 3 तरीके से। ठीक है, तो ये सब पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, ग्राफिकल मेथड, ये एब्जॉर्प्शन स्टिपिंग फैक्टर, ये क्रैमसर इक्वेशन, एक लास्ट बचा हुआ है आपका क्रैमसर इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे सर लोग क्रैमसर इक्वेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्रैमसर इक्वेशन क्या है, टू ये इक्वेशन यूज कब की जाती है, टू कैलकुलेशन ऑफ द आइडियल नंबर ऑफ ट्रीज, आइडियल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टू कैलकुलेशन ऑफ आइडियल नंबर ऑफ यूनिट्स,
आइडियल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, आइडियल नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अगेन इसको हम लोग लिखते हैं एनपी से, एनपी इज इक्वल टू होता है अगेन वो एनटीओजी जैसा फार्मूला है, एल एन वाई वन माइनस का एम एक्स टू डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस का एम एक्स टू, वन माइनस वन अपॉन ए प्लस का वन अपॉन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एल एन ए, यहां पर आ जाता है एल एन ए, यहां पर आ जाता है आपका एल एन ए, वहां पर क्या आता था वन माइनस वन अपॉन ए, यहां पर आपका एल एन ए, दिस द डिफरेंस, ठीक है। तो इसको सर लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से सर लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, यहां पर एल एन ए। सर ऑपरेटिंग लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, वो निकालना पड़ेगा अक्षय, अक्षय वो निकालना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था एब्जॉर्प्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, y इक्वल टू एल एस अपॉन जी एस एक्स माइनस का एक्स वन प्लस का वाई टू, याद आया अक्षय, याद आया, यहां से कर लेंगे, आपको एल एस जी एस पता है एक्स माइनस एक्स वन, यहां से ऑपरेटिंग लाइन बना लेंगे, ठीक है, बैलेंस लगा के, याद आया, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने टॉप सेक्शन में क्या लगा दिया था, बैलेंस लगाया था, तो यहां से ऑपरेटिंग लाइन आ जाएगी। लवली, गुड, करना जाके, ठीक है अक्षय, करना जाके, मजा आएगा आपको, 2020 का क्वेश्चन ऑपरेटिंग लाइन से यहां से बनाना और फिर इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से करना, ठीक है, देखना जब भी आंसर आएगा ना बहुत अच्छा फील करोगे, आंसर आएगा बहुत अच्छा फील करोगे अक्षय, ठीक है। ये मैंने करवाया है प्लस वाले बच्चों को, यहां से करवाया है मैंने, ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है, अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चन दो दो तरीके से तो करवा ही दिए, एक क्वेश्चन को मैंने चार तरीके से करवाया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने चार तरीके से करवाया था, ठीक, यस, बता तो रहा हूं, एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करो, अपने आप देखना कॉन्सेप्ट तगड़े हो जाएंगे, यस, एक्सट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो, वेरी गुड, लेकिन वहां पे कंडीशन है, ठीक है ना, सॉल्वेंट्स और आपका जो फीड है इमिसिबल के लिए यूज कर सकते हो, इमिसिबल के लिए, क्रैम्सर इक्वेशन, वहां पे पूछा गया, एक सवाल आया हुआ है नंबर ऑफ प्लेट निकालने के लिए। चलो डन, ठीक है, अब यहां से देखो जेड निकालेंगे, शिव ने बोला था कि सर ये वाला रिलेशन कहां से आया, देखो शिव तुम्हारे लिए पांच मिनट, ठीक, तुम्हारे लिए है ये पांच मिनट स्पेशली, देखो अभी आपने जेड चार तरीके से निकाला, अब जेड एक तरीके से और कैलकुलेट करेंगे, ए नंबर ऑफ प्लेट एनपी इंटू एच ई टी पी, एच ई टी पी ऐसे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनपी इंटू एच ई टी पी, ठीक, दिस इज द फिफ्थ मेथड टू कैलकुलेशन ऑफ द हाइट, ठीक है, ये फिफ्थ तरीका है कैलकुलेशन कैसे हाइट कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ अब देखना सर लोग, एनपी इंटू एच ई टी पी, इधर ये डटा हुआ है कि नहीं, सिर्फ डटे हो अभी कि नहीं, तुम, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, सर लोग ये बता दो तुमने क्या बताया है कि सर इसका इसका रिलेशन चाहिए एच ई टी पी और, वेरी गुड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन पी इंटू एच ई टी पी इज इक्वल टू, ऐसे मैं लिख सकता हूं एच टी यू ओ जी इंटू एन टी इंटू एन टी यू ओ जी, यस सर डटे हैं, वेरी गुड, इंटू एन टी यू ओ जी, सिर्फ बताओ ऐसे लिख सकते हो क्या सर लोग, बताओ एवरी वन, यू कैन राइट जेड, क्योंकि जेड भैया ये भी होता है और जेड तो ये भी होता है, वी कैन राइट लाइक दैट, ठीक है, तो एनपी और एनटीईओजी में आपने अभी एक रिलेशन निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि देखो दोनों के फार्मूले सेम थे, दोनों के फार्मूले सेम थे, तो आप लोग दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते थे, कैसे, देखो अब यहां पर थोड़ा बगल में आ जाओ,
क्योंकि आपने देखा था एनपी का जो फार्मूला था, एनपी में मल्टीप्लाई कर दोगे क्या एलएन ए इजकल टू एन टी यू ओ जी इन टू वन माइनस वन अपॉन ए, ऐसा मैं कर सकता हूँ सर? लोग बताओ, अभी आपने जो एनपी का फार्मूला लिखा उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर तो चेंज था, तो मैंने न्यूमिनेटर को दोनों जगह इक्वेट कर दिया, तो एन पी इंटू एल एन ए इजकल टू एन टी यू ओ जी इन टू वन माइनस वन अपॉन ए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं या सर? नो, पहले ये बताओ यार, हरी झंडी दिखाओ इसके लिए हमको सारे लोग, ये मैं कर सकता हूं यस और नो फ्रॉम योर प्रीवियस टू डेरिवेशंस? नहीं आया, ना आया तो बता दो, इनकेस पीछे के दो पन्ने पलटो, वहां से तुरंत मुस्कुरा के आप लोग देख पाएंगे यस और नो। देख पा रहे हो सारे लोगों का यस आना चाहिए यार, रख दो अब यहां पे, यहां पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, एन टी यू ओ जी की जगह रख दो, एन टी यू ओ जी की जगह रख दो, सारे लोग देख पा रहे हैं? एक लोग बोल रहे हैं यस सर क्लियर, ना देख पा रहे हो तो बताओ दिखाएं। आया, वेरी गुड, देखो तो अब यहां पे रख दो एच ई टी पी इक्वल टू एच टी यू ओ जी, एन टी यू ओ जी अपॉन एन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इसके डिवाइड कर दो एन पी, तो यहां पे एच टी एन टी यू ओ जी के नीचे डिवाइड कर दो एन पी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल एन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस वन अपॉन ए, यस और नो, इसको सॉल्व कर लो तो एच ई टी पी इक्वल आ जाएगा ए एल एन ए डिवाइडेड बाई ए माइनस वन इन टू एच टी यू ओ जी। सिब मुस्कुरा लो, ठीक है, देखो बात बनी कि नहीं, बोलो भाई साहब, यही तो तुमने लिखा था अभी कमेंट करके, यही तो लिखा था तुमने कमेंट करके एच ई टी पी इक्वल टू दिस वन, यही तो लिखा था अभी तुमने कमेंट करके, बताओ, ठीक है, ओके, आ गया समझ में? हाइट इक्विवेलेंट ट्रांसफर यूनिट एचईपीटीपी, हाइट इक्विवेलेंट ट्रांसफर यूनिट, ए एक्स्ट्रा लिख दिया, ऐसा क्या, क्यों भैया ए एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया ओम पटेल? भैया यहां पे एलसीएम लोगे, ए माइनस वन एलसीएम आएगा नीचे, ए वो उछल के ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बोलो, ए यहां से नीचे से एलसीएम लोगे, ए उछल के ऊपर चला जाएगा, ए एल एन ए अपॉन ए माइनस वन एच टी ओ जी, इनकेस उसने नहीं लिखा होगा तो फिर उसका गलत होगा, रुको, हाँ सिब तुम्हारा गलत है, ठीक है ना, हमारा सही है, तुम ये अपना भूल गए, ठीक है, ए आएगा यहां से, ए भैया एलसीएम लोगे वो ऊपर आएगा, बात आ गई होगी मतलब समझ में, सही क्लियर, बोलिए भाई साहब, ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहां से आप लोग बोल सकते हो ये एब्जॉर्प्शन आपका खत्म हुआ, ठीक है, इसको कर सकते हो दी एंड, ठीक है, अब आप लोग मस्त तरीके से क्वेश्चंस वगैरह लगाओ, मैं अभी कुछ बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज मेरा भी सही है सर, मैंने डिवाइड में लिखा है, अच्छा अच्छा आपने डिवाइड में लिखा है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, यहां से आपका एब्जॉर्प्शन होता है दी एंड, ठीक, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग ड्राइंग, ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे ड्राइंग, ठीक है, कल से जो स्टार्ट होगा आपका ड्राइंग स्टार्ट होगा, ठीक है, इस बार भी दो नंबर का क्वेश्चन आया था, यहां से आपको दो नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक, कल मॉर्निंग में
आपका सॉल्यूशन थर्मो होगा, कल मॉर्निंग में आपका सॉल्यूशन थर्मो देखने को मिलेगा, ठीक। कल मॉर्निंग में आपका सॉल्यूशन थर्मो का टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। सर लोग रेडी रहिएगा, अभी मैं ग्रुप पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा आधे घंटे के अंदर, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी 10 AM, टाइमिंग रहेगी इसकी 10 AM, ठीक है, टाइमिंग रहेगी 10 AM। और कल मैं क्या करूंगा, कल ड्राइंग के बाद आपने जितना भी अभी मास ट्रांसफर पढ़ लिया है, इसका मैं 1 से 2 पेपर ले लूँगा, ठीक है ना, क्विज ले लूँगा। 2 दिन ऐसा लगातार चलेगा, क्विज के थ्रू आप लोगों का प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हो रही थी क्लास, नोटिफिकेशन आप जस्ट मेरे को फॉलो कर लो तो नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ओके ये सब हो गया, आज सारे कंप्लीट कर लिया आपने। जो लोग भी प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी सर ज्वाइन टेलीग्राम, हाँ ठीक है, जो लोग भी प्लस के साथ मूव करना चाहते हैं, जो लोग भी 23 को टारगेट करना चाहते हैं या 22 को ही टारगेट करना चाहते हैं, इस ऑफर के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, या 12 मंथ के साथ जो लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, 12 मंथ्स के साथ जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। आप लोगों को मेरा कोड पता होना चाहिए, MR100, ठीक है, MR100 कोड यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको 10% का जो डिस्काउंट मिलेगा। इनकेस आप 3 मंथ्स का लेंगे तो आपको 13,000 पे करना पड़ेगा, इनकेस आप 12 मंथ लेते हैं तो 29 के आसपास आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और 2013 की हमारे साथ आप प्लस के साथ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से होते हैं वहाँ पे, भी मेरा मास ट्रांसफर चल रहा है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, अभी जल्दी अभी खत्म हो जाएगा हाल फिलहाल में, ठीक है, कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं। जिन लोगों को देखना है सारे मेरे लेक्चर वहाँ पे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं उसको देख सकते हैं, और जो कमिंग बैच आएंगे उसमें आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोड की नीड पड़ती है तो आप लोग इस कोड के साथ मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको नीड पड़ती है अकेडमी से जैसे ही ये जुड़ते हैं तो आपको रेफरल कोड की नीड पड़ती है तो आप लोग इस कोड को यूज कर सकते हैं। मज़ा आ गया सर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, चलो ओके नाउ। अब मैं जस्ट बात करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस की बात करूंगा, ये फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक की मैं बात करूंगा तो 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, थोड़ा फीस बढ़ चुकी है जैसा कि आप लोगों को पहले अपडेट कर रखा था, राइट। प्लस के लिए मैं बात करूंगा तो आप लोग देख रहे होंगे 29,205 इतना आपको पे करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे कोड यूज करेंगे, ठीक है, आप लोगों को एक कोड की नीड पड़ेगी MR100, तो यहाँ से आपको 10% होने के बाद आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यहां से जस्ट मैं बात करूंगा, ये अभी CRE आपका चल रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन चल रहा है 7:30 PM पर, तो आप लोग को जो पूरा सब्जेक्ट हो गया है, 2 लेक्चर और बचे हुए, तो इसको आप लोग देखना चाहें तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, एक बार आपको पता चलेगा कि मास ट्रांसफर का क्या लेवल पढ़ाया गया है प्लस पर, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी बात जस्ट मैं बात करूंगा, कल मैं मिलूंगा, और आज तो नाइट में नहीं क्लास रहेगी, कल नाइट में क्लास रहेगी, कल मॉर्निंग में और 10 बजे सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का आपको क्लास रहेगी, तो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस बचे हुए थे उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और सारे लोग सेशन को लाइक कर दिया करो, जो लोग भी प्रेजेंट हैं सेशन को लाइक कर दिया करो, और अपने जूनियर वगैरह को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट मेरा कोड आपको पता होना चाहिए MR100, जब भी प्लस आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आप लोग कोड यूज करेंगे MR100, वहाँ से प्रॉपर तरीके से हमारे अंडर आप लोग आ जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपकी जर्नी और किस तरीके से आपको आगे चलना है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन रहा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।